दुनिया भर में कश्मीरियों के हक के लिए आवाजें बुलंद होने लगी। अमरीकी मुस्लिम कांग्रेस विमेन ने कश्मीरियों के लिए आवाज बुलंद कर दी। इल्हान उमर ने बैनुल अक्वामी तंजीमों से मुतालिबा किया है कि वो कश्मीर से मुतालिक जमीनी हकायक को जमा करें। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू, कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा। अमेरिका की डेमोक्रेट पार्टी से ताल्लुक रखने वाली इल्हान उमर भी कश्मीरियों के हक में बोल पड़ी। अमेरिकी कांग्रेस की रहनुमा इल्हान उमर ने ट्वीट में मकबूजा वादी की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए वादी में कम्युनिकेशन सिस्टम फौरी बहाल करने का मुतालबा किया। कहा कि वादी में इंसानी हकूक और फौरी मजहबी आजादी होनी चाहिए। इल्हान उमर ने बैनुल अक्वामी तंजीमों से वादी में जमीनी हकायक जमा करने का मुतालबा भी किया।